लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बेल वाला आइकॉन दबाकर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वैसे तो समय समय पर दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणियां होती रहती हैं, लेकिन आज हम बताएंगे आपको विश्व की वो तीन घटनाएं जब दुनिया का अंत बेहद नजदीक था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और बताते हैं कि पहला इवेंट कौन सा था। पहला था कि कैरो इंटो इवेंट। सन 1859 में विश्व का सबसे बड़ा सोलर तूफान आया था। इस सोलर तूफान में 10 मिलियन परमाणु बम के समान ताकत थी, जो पूरे विश्व को खत्म करने के लिए काफी था। एक प्रकार से यह भूचुंबकीय तूफान था, जिसके कारण पूरी दुनिया की बिजली व्यवस्था खत्म हो गई थी। अगर वैसा ही तूफान दोबारा आ जाए तो यह मनुष्य के लिए विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि इससे सारी बिजली खत्म हो जाएगी और बिजली खत्म होने से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। नासा ने दावा किया है कि ऐसा तूफान 250 सालों में एक बार जरूर आता है, मतलब यह तूफान अगले 50 वर्षों में देखा जा सकता है। जब यह आया था तो इसे पृथ्वी पर पहुंचने में 20 घंटे से भी कम समय लगा था। दूसरा है बोनिला कॉमेट। सन 1883 में 500 धूम केतु सूर्य के पास से गुजर रहे थे। यह ग्रह से टूटकर आ रहे थे। इनको आगे बढ़ते बढ़ते एक धूम केतु 2011 में वो धरती के मात्र 600 किलोमीटर की दूरी से गुजरा था और हर धूम केतु 800 मीटर चौड़ा था। अगर इन धूम केतु में से एक भी इनमें से कोई एक भी पृथ्वी से टकरा जाता तो इतनी तबाही होती जिस प्रकार की हजार परमाणु बम गिरने से होती है। तीसरा है टेम्बोरा ज्वालामुखी। सन 1815 में यह दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी था। यह टेम्बोरा पर्वत पर आया था। इस ज्वालामुखी में 175 क्यूबिक की धूल, बड़े बड़े पत्थर विश्व में फैल गए थे। इसके कारण विश्व में बड़े बड़े चक्रवात और तूफान तथा 5 मीटर ऊंचे ऊंचे सुनामी आए थे। इस ज्वालामुखी से निकली राख 13 किलोमीटर में फैल गई थी, जिसके कारण सूर्य की रोशनी धरती पर नहीं पहुंचने के कारण धरती का तापमान बहुत जल्दी कम होने लग गया था। इससे पूरे यूरोप में अकाल और महामारी फैल गई और 1816 में दुनिया का एक ऐसा साल बन गया था जिसमें यूरोप में कभी गर्मियां नहीं थी। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी चैनल की अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स। हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।